जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने का एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि हड्डियों के दर्द को जड़ से समाप्त करेगा। चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे आपके हाथों की कलाई का दर्द हो, एक ऐसी औषधि के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ दोस्तों जो कि आपके मसल्स पेन को, दर्द को या हड्डियों में कहीं सूजन आ गई उसे तेज़ी से ख़त्म करेगा। तो इस आयुर्वेदिक नुस्खे के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर दो तरह की पत्तियों का इस्तेमाल किया है। आज इस वीडियो में आपके लिए तीन अलग अलग तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपको जोड़ों के दर्द से, ज्वाइंट पेन से तुरंत ही राहत दिलाएगी। चलिए कैसे बनाना है, कैसे लगाना है ताकि आपको भी राहत मिल सके, आराम मिल सके। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों अंडी का पत्ता और आंकड़े का पत्ता। जो भी दोनों में से कोई भी एक पत्ता आपको मिल जाए, आंकड़ा इसे हम लोग आंक भी कहते हैं और बहुत से लोग इसे मदार भी कहते हैं, और दूसरा है अरंडी जिसे अंडी का पत्ता भी कहा जाता है। आप सबको पता है कैस्टर प्लांट होता ना, कैस्टर इसके बीजे होते हैं, आप लोग कैस्टर ऑयल लगाते हैं जिसे हम लोग अरंडी का तेल कहते हैं, उसी के ये पत्ते हैं दोस्तों। कैस्टर प्लांट से ही मैं ये पत्तों को तोड़कर लेकर आई हूँ। वैसे अंडी का पत्ता, कैस्टर प्लांट आपको सड़कों के किनारे कहीं भी आसपास मिल जाएगा। अभी तो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में ये पत्ते बहुत आसानी से जगह जगह मिल जाते हैं। वैसे तो साल भर ही ये पौधा दिखाई देगा आपको। एक पत्ते को तोड़ना है दोस्तों और फिर इस पत्ते को गर्म करके गर्म गर्म आपको उस जगह पर बांध लेना है जहाँ पर हड्डियों में तकलीफ है। इसके अलावा अगर जिन्हें कैस्टर प्लांट नहीं मिलता है, जिसे अंडी का पत्ता नहीं मिलता है, वे आंकड़ा इसे मदार कहते हैं। इसके फूल देख रहे हैं ना, ये इसके फूल हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से इसके फूल होते हैं। इसके फूलों को पानी में उबालकर उस पानी को भी जोड़ों के दर्द पर लगाएंगे तो राहत मिलेगी। तो इस तरह से मैंने कैस्टर प्लांट और इसका अंडी का पत्ता, दो तरह के पत्ते लेकर आई हूँ। दोनों में से जो पत्ता आपको मिल जाए उन्हें गर्म करिए, थोड़ा सरसों तेल मिलाइए, हल्का सा तवे पर रखिए और फिर गर्म गर्म आपको अपने घुटनों के दर्द पर बांध लेना है। हाथों की कलाई में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, कमर में दर्द है, जहाँ भी तकलीफ है, या पैरों की एड़ियों में दर्द है, वहाँ पर इस पत्ते को तेल लगाकर आपको बांधना है। किसी धागे से लपेट लीजिए। सरसों का तेल लेंगे ना, या तिल्ली का तेल भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल या सेसमे सीड ऑयल, जो भी ऑयल है आपके पास, दोनों ऑयल को लीजिए। दोनों ऑयल बहुत ही गर्म होते हैं और तेज़ी से सूजन को कम करते हैं, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न से राहत मिलेगी। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसों में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है या कहीं ज़्यादा नस की परेशानी है, वहाँ पर भी इस पत्ते को बांधने से आपको कमज़ोर नसों से राहत मिलेगी। नसों की अकड़न जकड़न है दोस्तों, वो सारी परेशानियों को दूर करता है, एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधा है। वैसे भी हमारा भारतवर्ष जड़ी बूटियों का देश है दोस्तों, तरह तरह की यहाँ पर जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, तो क्यों ना हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें इन छोटी मोटी बीमारियों से बचने के लिए। गैस चालू कर दिया है, गैस के ऊपर तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। एक चिमटे की सहायता से मैं इन पत्तों को पलटती जा रही हूँ। एक पत्ते में मैंने हल्दी और सरसों का तेल लगाया है। आप चाहें तो हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर लगा सकते हैं, आप चाहें तो केवल सरसों का तेल पत्ते में लगाकर इस पत्ते को हल्का गरम गरम बांधना है। इतना गरम जितना गरम आप लोग सहन कर सकते हैं इन पत्तों को बांधिए। देखिए इस तरह से मैं चिमटे की सहायता से इस पत्ते को दोनों तरफ से अलट पलट करती जा रही हूँ ताकि दोनों तरफ से थोड़ा सा पत्ता सिक जाए। और तेल लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, तेल लगाएं, हल्दी लगाएं और फिर इस गरम गरम पत्ते को आपको अपने जोड़ों के दर्द पर बांधना है। पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द 200 मिनटों में गायब हो जाएगा। अंडी का पत्ता, आप सबको पता है कैस्टर प्लांट कितना फ़ायदे, हमारे देश में तो इसकी खेती की जाती है दोस्तों, ये इतना फ़ायदेमंद। इसके अलावा आप चाहें ना तो अंडी का तेल भी बना सकते हैं। इसके पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, काट लीजिए, कुचल लीजिए और फिर इसके पत्तों को एक कटोरी सरसों के तेल में पका लीजिए, तेल को छान लीजिए और उस तेल से मालिश करें। खाने पीने का ध्यान रखें जिन्हें हड्डियों में तकलीफ है। खट्टी चीज़, इमली, दही, नींबू की खटाई, अचार आपको नहीं खाना है। खट्टी चीज़ों से परहेज करना है, ठंडा खाना नहीं खाना है। कोशिश करें थोड़ा गर्म ही खाएं तो ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए इस पत्ते को मैंने गर्म गर्म, जैसे कभी हम लोग क्या होता है दोस्तों, कोई भारी चीज़ उठा लेते हैं, भारी पानी से भरी बाल्टी, हाथों की कलाई कई बार लचक जाती है। इस पत्ते को बांधकर आधा घंटा रखें, घुटने के दर्द के लिए तो रामबाण नुस्खा है।
तो कई बार दोस्तों मैंने इस तरह से भी तेल बनाया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इसकी पत्तियों को तोड़िए, काटिए, चाकू से जैसा आपको पसंद है कुचल लीजिए, तेल में पकाकर इसका तेल बनाएं। अगला तरीका है, आंकड़े की पत्तियों को लीजिए, अच्छी तरह से इस पत्तियों को तोड़ लीजिए, कुचल के इसकी चटनी सी बना लीजिए, मतलब हल्का सा इसे क्रश कर लीजिए ताकि इसका जो रस है, इसका जो पेस्ट है, चिकना हो जाए और उसे आप अपने जोड़ों के दर्द पर लगा लें। कमाल का रिजल्ट मिलता है दोस्तों। इसकी पत्तियों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हमें हड्डियों की तकलीफ से, सूजन से हमें राहत दिलाते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर डालें। इस पत्तों को पीस कर एक चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। नमक सूजन को तेज़ी से खींचता है। कहीं चोट लग गई है, मोच लग गई है, पैर चलते चलते लचक गया है, वहाँ पर इसके पेस्ट को बांध लें। मैंने यहाँ थोड़ा मोटा मोटा पिसा है, आप चाहें तो और बारीक पीस सकते हैं। आपको इसे घुटनों पर लगाना है, मैं केवल हाथों पर लगाकर दिखा पा रही हूँ आपको। और इस तरह से आप इसे लगाइए और चाहें ना तो आप कोई पुराना कपड़ा बांध लें और फिर इसे लगा रहे हैं। चलिए अब आपको मैं घुटनों पे भी लगा के दिखा रही हूँ। कई बार ना दोस्तों घुटनों में बहुत तकलीफ होती है, उम्र के साथ ही साथ हड्डियों में दर्द होना एक साधारण सी बात है। आप आसानी से इस होम रेमेडी के द्वारा हड्डियों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। इस पत्तियों का पेस्ट बांध लिया है, लगा लिया है, उसके बाद एक दो पत्ती ले लीजिए, आंकड़े की ले लीजिए, आपको कैस्टर की मिलती है, अरंडी की पत्ती मिलती है, अंडी की पत्ती मिलती है, वो ले सकते हैं, कैस्टर लीफ भी ले सकते हैं। दोनों में से जो पत्ती गरम गरम उस पेस्ट के ऊपर बांधे। एक धागा लिया है मैंने, जो सिलाई करने वाला धागा, उससे बांध लिया ताकि पत्ती खसकने ना पाए, नहीं तो पत्ती, आप खड़े होंगे पत्ती गिर जाएगी, तो बांध लिया है। तो ये तरीका बताया है मैंने आपको बांधने का, इस तरह से बांधना धागे से। उसके बाद आप अपने घुटनों पर कोई पुराना कपड़ा, मैंने भी एक पुराना दुपट्टे का कपड़ा था उसे लपेट लिया है ताकि हमारे कपड़े ख़राब होने ना पाए। आधे घंटे लगा कर रखें, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा देर भी लगा सकते हैं। और ठंडी चीज़ों से परहेज करें, रोज़ धूप में बैठकर थोड़ी देर तेल से मालिश ज़रूर करें, अंडी के पत्तों का तेल बनाएं। आपके पास इस तरह से कोई नी कैप है तो नी कैप भी पहने, आपको बहुत आराम मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें। शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब